मैं सच में किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, बट जब मैंने हरसिमरत कौर जी को यह देखा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो 3 बिल पेश किए गए हैं पार्लियामेंट में उसके खिलाफ अपनी नाराजगी दर्शाते हुए, तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर वीडियो बनानी थोड़ी अर्जेंट है। अब इन तीनों बिल्स में ऐसा क्या है, हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा क्यों दिया है, इन सब बातों को मैं इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। बट शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरे ध्यान से सुननी होगी और उसे पूरा देखना होगा, और तभी पता चलेगा कि असलियत में किसानों को भड़काया जा रहा है या सच में जो ये बिल्स जो है वो किसानों के अहित में है। और मैं इस वीडियो में दोनों ही पक्ष रखने वाला हूँ, यानी विपक्ष ने जो अपने दावे पेश किए हैं कि ये बिल्स क्यों खराब हैं, और जो पक्ष अपने तर्क इसके ऊपर रख रही है कि बिल्स जो हैं वो किसानों के लिए क्यों सही है। इन दोनों ही बातों को आपके सामने रखूंगा और आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत। तो सबसे पहले 5 जून को ऑर्डिनेंस आया जिसमें इन तीनों बिल्स को एक तरीके से एक्ट की तरह लागू किया गया था। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझा देता हूँ। देखो हमारे संसद में 3 सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन, मानसून और फिर आता है शीतकालीन। हर एक सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, और सत्र का मतलब है संसद जब काम कर रही है, यानी इस संसद के अंदर सांसद आके मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं या फिर अपने कोई बिल्स जो होते हैं उनको पेश करने होते हैं, वो इन सब चीजों को यहाँ पर रखते हैं, इसी को सत्र कहते हैं। यानी एक तरीके से संसद जो है वो यहाँ पर काम करती है। 5 जून को जो ऑर्डिनेंस आया था उस वक्त सत्र नहीं चल रहा था, यानी जो मानसून का जो सत्र है वो तब चल नहीं रहा था, इसलिए प्रेसिडेंट ने सरकार के कहने पर ऑर्डिनेंस निकाला जो एक तरीके से एक्ट की तरह काम करता है। अब एक्ट क्या होता है इसको भी ध्यान से सुन लो। जब कोई बिल जो संसद में लाया जाता है उसको पूर्ण रूप से जब सहमति मिल जाती है, यानी दोनों सदनों में वो पास हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब वो पास हो जाता है तो बिल से वो एक्ट बन जाता है और इसे ही कानून कहा जाता है, और ये भारतीय गजट पत्र में शामिल हो जाता है। और ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरीके से इस संसद की प्रक्रिया को बाईपास कर देती है और सीधा ही एक एक्ट की तरीके से काम करने लग जाती है। एक तरीके से कहो तो एक डेमोक्रेसी का हनन कह सकते हो, लेकिन जब भी सत्र चल रहा होगा तो इस ऑर्डिनेंस को वहां पर पास करवाना जरूरी है, अगर नहीं करवाया तो ये रद्द हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है, ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो तीनों बिल्स आए हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी ये बिल हैं जब ये संसद के लोकसभा में पास होकर फिर ये राज्यसभा में पास होकर राष्ट्रपति के जब साइन हो जाएंगे तब ये एक्ट कहलाएंगे। इन तीनों बिल्स को 14 सितंबर को टेबल किया गया, 16 सितंबर को लोकसभा में पास हो गया, अभी से राज्यसभा में होना पास बाकी है। और जो सबसे पहला वाला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, पहले तो मैं आप लोगों को इसके हर एक वर्ड का मीनिंग बता दूं। फार्मर्स का मतलब है किसानों द्वारा, प्रोड्यूस मतलब उत्पाद, ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन का मतलब है प्रमोट करवाना और सुविधा उपलब्ध करवाना। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको कृषि के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें नहीं पता है, पहले मैं आप लोगों को वो चीजें क्लियर कर देता हूं। और ये बात अपने दादा या अपने पिता से आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं या किसी अपने बड़े से जान पहचान वाले से उससे क्लियर कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आपको ये बातें जाननी जरूरी है क्योंकि 75% जो आबादी है भारत की आज भी कृषि पर निर्भर है, और जब ये देश आजाद हुआ तो 95% जो है तब भी कृषि के ऊपर निर्भर थी, तो ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जो भी किसान अपने खेत में फसल पैदा करता है तो उसे बेचने के लिए अपनी नजदीकी मंडी में जाकर उसे बेचता है, पर इस बिल के तहत किसान अपनी फसल पूरे देश में किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी किसान जब अपनी फसल अपने खेत में पैदा करता है तो उसे अपनी नजदीकी मंडी में जाकर बेचनी होती है, ये इसके लिए बाध्य है, यानी उसके ऊपर ये कानून है कि वो किसी और मंडी में नहीं बेच सकता। APMC के तहत, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के तहत ये नियम निर्धारित है कि किसान अपने जो खेत है उसके खेत के नजदीक के जो क्षेत्र के आसपास जो मंडी है वहां पर जाके वो अपनी फसल बेचेगा, इसके लिए बाध्य है। अब सरकार ने क्या किया, किसान के ये हाथ खोल दिए और उसे कहा है कि तुम जाकर पूरे देश में किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकते हो जहां पर तुम्हें अपनी फसल के दाम अच्छे मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हरियाणा में किसी 100 किलो बोरी का दाम अगर 2000 रुपये है, अनाज की एक बोरी है उसका दाम जो है वो 2000 रुपये है, और उसी बोरी का दाम गुजरात में 3000 रुपये है, तो किसान जाके गुजरात अपनी फसल बेच सकता है। अब तुम ये सोचोगे कि किसान अगर गुजरात जाएगा हरियाणा से अपनी फसल को ट्रक में डालकर गुजरात में बेचने जाएगा तो वहां पर उसको मुनाफा कम घाटा ज्यादा होने वाला है, तो इसके लिए सरकार ने एक प्रावधान, एक तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल निकाला है, एक ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड की है जिसका नाम है ई-नाम, यानी ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब है नेशनलाइजेशन, ए का मतलब है एग्रीकल्चर और एम का मतलब है मार्केट। एक तरीके से किसान को ऑनलाइन मार्केट प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने। अब किसान इस ऑनलाइन पोर्टल पे जाएगा और देखेगा कि उसकी फसल का दाम कहां पर सबसे ज्यादा अच्छा मिल रहा है और वहां पर जाके इसके क्लिक कर देगा और कह देगा कि मैं फसल यहां पर बेचना चाहता हूं। अब ये कंपनी की हेडेक है कि वो वहां से
किसान से फसल कैसे लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप ओलेक्स आपने यूज किया होगा, जब आप अपनी कोई सामान बेचते हो या किसी को देखा होगा ओलेक्स पर सामान बेचते हुए, तो जिसको लेना होता है वो आपके पास आता है। ऐसे ही इसमें किया गया है कि किसान अपनी फसल बेचेगा और जिसको लेना होगा वो किसान के पास आएगा फसल लेने। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यही एक मेन कारण है जिसके कारण चलते हरसिमरत कौर जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रही है उसको मैं समझा देता हूँ। विपक्ष का कहना है कि भाई हर किसान जो है, भारत का हर किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन यूज करके, ऑनलाइन पोर्टल का यूज करके अपना सामान जो है वो बेच सकता है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लघु और सीमांत किसान है। लघु और सीमांत किसान उन्हें कहा जाता है जिनकी जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम आ जाती है। विपक्ष का कहना है कि 25 करोड़ लोग तो इस सुविधा का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। इन्होंने तर्क बहुत अच्छा दिया है कि जो किसान जो है वो, ज्यादातर किसान जो है वो ऑनलाइन सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे, बट विपक्ष ने अपनी बात ये रखते हुए एक गुगली कर दी। एक गुगली क्या खेल दी, इन्होंने कहा कि भाई इससे जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन दे दी लोगों को और कहा कि मंडियां बंद हो जाएंगी। भाई साहब सीधे सीधे मिस इन्फॉर्मेशन देते हुए किसानों को यह भड़का दिया कि मंडियां बंद होने वाली है, जबकि कोई भी मंडी बंद नहीं होने वाली। एक तरीके से सरकार ने एक नया ऑप्शन खोला है किसानों के लिए, वो अपनी फसल अच्छे से अच्छे दाम में कहीं पर भी बेच सकता है। अब आप खुद सोचो कि यार मंडी कहां से बंद हो रही है। अरे ये बिल जो है एक नया ऑप्शन लाने के लिए, ना कि कोई चीज बंद करने के लिए। और जो मंत्री बने हैं, जो इनके सबऑर्डिनेट हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि इससे तो प्रतिस्पर्धा बनेगी, यानी कि कॉम्पिटिशन आएगा मार्केट में और किसानों को इससे सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। और विपक्ष का दूसरा तर्क है इसका विरोध करने का, देखो हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची आती है, उस 7वीं अनुसूची में 3 विषय है, केंद्र विषय, राज्य विषय और समवर्ती। केंद्र का मतलब है इसके अंदर केंद्र जो है वो अपने कानून बनाएगी, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस से रिलेटेड हो गया तो इसमें केंद्र कानून बनाएगी, और राज्य, इसमें राज्य जो है अपने राज्य के अंदर जो उसके अंदर विषय आते हैं उसके ऊपर कानून बनाएगी, और समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर जो है दोनों मिलके, केंद्र और राज्य दोनों मिलके इसके ऊपर कानून बनाएंगे, बट ज्यादातर केंद्र की ही मानी जाती है इसके अंदर। तो विपक्ष का कहना है कि केंद्र कैसे राज्य के ऊपर कोई कानून बना सकती है, क्योंकि जो कृषि और मार्केट का जो एंट्री नंबर 14 और एंट्री नंबर 18 में यह साफ कहा गया है कि कृषि और मार्केट जो विषय है वो राज्य के विषय है और उसके ऊपर केंद्र कोई भी कानून नहीं बना सकती। भाई साहब एकदम बिल्कुल सही बात है, केंद्र इसके ऊपर कानून बना भी नहीं रही है, क्योंकि केंद्र कानून बना रही है खाद्य पदार्थ जो हम खा सकते हैं उसकी मार्केटिंग और उसके प्रमोशन के लिए, उसके वाणिज्य के लिए, उसके ऊपर वो कानून बना रही है, ना कि वो कृषि के ऊपर कोई कानून बना रही है। देखो आप लोगों को इसकी टेक्निकलिटी बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेगी कि विपक्ष क्या कह रही है और केंद्र क्या कह रही है। अब विपक्ष इतना क्यों तड़प रही है, वो क्यों इस राज्य सूची को बीच बीच में लेकर आ रही है, अब इसके पीछे भी रीजन है, वो उसको अच्छे से समझ लो। देखो किसान जब अपनी फसल मंडी में ले जाता है और वहां पर बेचता है तो उसके ऊपर लगता है मंडी शुल्क। अब मंडी शुल्क का मतलब है कि रिवेन्यू, और बड़ी मात्रा में रिवेन्यू जनरेट होता है। अब राज्य के पास अब ये रिवेन्यू आएगा नहीं, एक तरीके से यहां पर इनके आग लग गई। और जो धान है, गेहूं है, इन 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और इन्हीं के जो 3 राज्य हैं, इन्हीं 3 राज्यों के जो किसान है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहां पर जो ये धान गेहूं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, और एक अनुमान के अकॉर्डिंग पंजाब में जो शुल्क, जो यानी एक तरीके से जो रिवेन्यू जनरेट होता है इस मंडी शुल्क से, वो 100 करोड़ रुपए है। तो यार इससे तो जाहिर सी बात है कि पंजाब सरकार का तो ऑलरेडी, इसके विपक्ष में वहां पर कांग्रेस है तो उसका तो उतरना जाहिर बनता ही है कि वो आए और इस बिल का विरोध करे। और अब यही सोच रहे होगे कि हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा क्यों दिया, अब उसको समझा देता हूं। देखो यार अपने दादा या अपने किसी जान पहचान से जाके पूछना कि मंडी जो होती है वहां पर जो दुकानें होती हैं उनको आड़त की दुकान कहा जाता है, और जो इस दुकान में जो बैठते हैं उनको आड़तीय कहा जाता है। एक तरीके से समझाऊं तो इनको बिचौलिए ही समझ लो। अब जो इन मंडी में होते हैं कि मंडी में एक सीट होती है जिसे चेयरमैन की सीट कहा जाता है, और इस चेयरमैन की सीट पे उस गांव का जो गांव के नजदीक की जो मंडी है तो वहां पर उस गांव का सबसे बड़ा आदमी, एक सबसे बड़ा जमींदार जिसके पास खूब सारे पैसे, तो उस सीट पर उसको बिठाया जाता है। और जो शिरोमणि अकाली दल है, जो ये 1947 यानी देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का ये दल है, तो यानी एक तरीके से इसका पंजाब का बहुत ज्यादा क्षेत्र पर इसका अधिकार है। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं इस मंडी के इस चेयरमैन की सीट पर बैठे हैं, क्योंकि हरसिमरत कौर जी आती हैं किसान बैकग्राउंड से, और बहुत सारे जो लोग हैं इन्हीं के जान पहचान के वो इस चेयरमैन की सीट पर बैठे हैं। तो अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि क्या रीजन है कि हरसिमरत कौर जी ने अब इस्तीफा दिया है, और वो खफा इस बात से हैं क्योंकि सरकार ने एक तरीके से मध्यस्थता खत्म करने के लिए जो ऑनलाइन सुविधा जो किसानों को दी है कि किसान सीधा, इनकी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा जाके मार्केट में डील करें। अरे अब इनके अंदर जो आग लग गई है कि अब किसानों का खून कैसे चूसा जाए, तो ये लग गए भड़काने किसानों को कि देखो यार तुम्हारी मंडी बंद होने वाली है, अब तुम अपनी फसल कहां बेचोगे, और भारत का किसान इतना भोला है, उसके लिए जो कानून आया है, जो ये बिल आ रहे हैं वो उसी की सुविधा के लिए है और उसी को सड़क पर उतारा जा रहा है, और साथ ही साथ
साथ ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी भी खत्म की जा रही है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या होता है इसको समझा देता हूं। सपोज देश में जो अनाज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो गया है, हर किसान के पास अनाज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब वो इतनी ज्यादा मात्रा में होने पर होता है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है जब उसके तो प्राइस गिर जाते हैं कि भी उसको लेने वाला कोई नहीं। तो इस वक्त सरकार क्या करती है, फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसानों को ये प्रावधान किया गया है कि अगर फसल ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो उनकी फसल एटलीस्ट एक मिनिमम प्राइस पर तो सरकार खरीदेगी। फॉर एग्जाम्पल आप जब कभी किसी जॉब के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कहा जाता है कि इसमें मिनिमम आपको सैलरी 10,000 रुपए तो मिलेगी, बाकी तुम्हारी मेहनत है कि तुम अपनी मेहनत से कितना इसको ऊपर ले जाना चाहते हो। तो एक तरीके से यही है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो ये आड़तिये हैं यानी बिचौलिए हैं और जो ये विपक्ष है किसानों को ये भड़काने में लगी हुई है कि एमएसपी खत्म की जा रही है। अरे एमएसपी बिल्कुल भी खत्म नहीं की जा रही, एक तरीके से तो ऑप्शन दिया जा रहा है कि किसान अपनी फसल अच्छे से अच्छे दाम पे कहीं पर भी बेच सकता है पूरे भारत में। अब सेकंड बिल के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड बिल है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड सर्विस बिल। अब इसमें एक टर्म आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब विपक्ष ये कह रही है कि देखो यार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले गए, एक प्राइवेटाइजेशन, एक बड़ा ही शब्द ये घुसेड़ देते हैं हर एक चीज में, देखो प्राइवेट कर रहे हैं हर चीज को। अब ये कहकर ये लोगों को, किसानों को ये कह रहे हैं कि देखो अब तुम्हारी जमीन जो है वो भी छिन जाएगी, जो सरकार जो है अब इसमें प्राइवेट लेके आ रही है, प्राइवेटाइजेशन लेके आ रही है। भाई साहब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ रही इसके अंदर। और जो देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि अगर किसान को सीधे सीधे लाभ पहुंचाना है तो इन बिल्स का आना जरूरी है, उन्होंने इन बिल्स का जो है समर्थन किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है वो भी मैं समझा देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है एक तरीके से अपनी जमीन को ठेके पे देना। अब इस चीज को सरकार क्या कर रही है कि आपके पास एक कंपनी आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बीघा जमीन है और आपके पास एक कंपनी आती है वो कहती है कि आप अपनी जमीन जो है वो मुझे ठेके पर दे दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक बकायदा एग्रीमेंट होगा आपके साथ और इस एग्रीमेंट के तहत मालिकाना हक तो आपके पास ही रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। और इसके तहत क्या होगा कि आपके पास सपोज करो कि भारत में जो होते हैं कि किसान जो होते हैं वो कुछ ज्यादा 2-4 फसलें अपनी वैरायटी के तौर पर उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल की दाल उगा ली, साथ सरसों उगा लिया, अनाज उगा लिया, ऐसे ही उगाते हैं तो एक वैरायटी नहीं आ पाती। और उन्हें सरसों की, अगर देश में अगर सरसों के तेल की जरूरत है तो एडिबल ऑयल की जरूरत है, तो कंपनी अगर कहती है कि मैं आपके खेत में ये एडिबल ऑयल यानी एक सरसों की जो फसल है वो उगाना चाहती हूं, तो ये कंपनी आपको अगर कहती है, आपके पास जमीन है, आपको ये कहती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो इवन ये भी नहीं कर सकती आपके खेत में बिना आपकी स्वेच्छा, आपकी इजाजत के बगैर वो आपके खेत में कुआं तक भी नहीं खोद सकती। तो अब जरा खुद सोचो यार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरीके से हानिकारक हुई। अब इसके और चीजें भी मैं आपको लोगों को बता देता हूं। कोई भी कंपनी जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एग्रीमेंट बनाएगी, तो उस एग्रीमेंट में ये पहले ये बता दिया जाएगा कि आपके खेत में ये वाली फसल उगाई जाएगी और आपकी फसल का ये दाम, मिनिमम प्राइस तो वो देंगे ही देंगे, यानी एक तरीके से फसल पैदा नहीं की उससे पहले आपका प्राइस वहां पर फिक्स कर दिया गया। और दूसरी चीज कि अकाल पड़े, सूखा पड़े या फिर बारिश आ जाए जिससे फसल खराब हो जाए, ये कंपनी आपसे फसल खरीदेंगी ही खरीदेंगी। यार हर तरीके से तो किसान का ही फायदा हो रहा है। अब सपोज करो कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी किसी किसान के पास आती है और कहती है कि मैं आपके खेत में आलू उगाना चाहती हूं, तो वो अगर, अब किसान, भारत का किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मशीनें यूज कर सके, तो ये कंपनी सीधे तौर पर वहां पर वो चीजें यूज कर सकती है, वो चीजें प्रोवाइड करवा सकती है। अब किसान को अपनी फसल का दाम अच्छा मिल गया और उसे किसी बिचौलिए की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब बिचौलियों को इससे आग लगी पड़ी है भाई। और देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई नहीं है, आप अपने पिता से पूछना अगर आपकी जमीन आती है तो वो अगर जब शहर में आ गए हैं, उनकी जमीन जो वो गांवों में है वो किसी को देकर आए हुए हैं, ठेके पर देकर आए हैं, उसके बदले उन्होंने रुपए या फसल के लिए उन्होंने उनसे बात कर रखी है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नहीं है, कोई नई नहीं है। पोल्ट्री या मुर्गी पालन में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग चलती आ रही है। अब बात कर लेते हैं तीसरे बिल की। तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। अब एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है, मैं आप लोगों को ये दोनों वर्ड समझा देता हूं। अभी आपको पता है कि जो कोरोना काल चला था तब उसमें जो मास्क है, जो सैनिटाइजर है, वो इतने ज्यादा महंगे हो गए थे, यानी 5 रुपए का जो मास्क है वो 100 रुपए, 150 रुपए इतने का बिकने लग गया था। लोग इसकी कालाबाजारी करने लग गए थे, अपने पास स्टॉक कर इकट्ठा करने लग गए थे। तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया, इसको उठा के एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया। अब एसेंशियल कमोडिटी में डालने का मतलब यह हुआ कि सरकार, जिन्होंने भी इसके ऊपर स्टॉक कर रखा है, तो सरकार जाके इनके ऊपर छापा मार सकती है, इनके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। एक तरीके से इस चीज को गैर कानूनी बना दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एसेंशियल कमोडिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं एक तरीके से
समझा देता हूँ। देखो इसेंशियल कॉमोडिटी का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आलू, अगर सरकार ये कहते कि आलू जो है वो इसेंशियल कॉमोडिटी है, तो इसेंशियल कॉमोडिटी का मतलब है कि किसान आलू का स्टॉक नहीं कर सकता। अगर सरकार ये कहती है कि आलू इसेंशियल कॉमोडिटी नहीं है, यानी किसान जो है वो इस आलू का स्टॉक कर सकता है, ये बात समझना थोड़ा, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। अगर सरकार कहे कि आलू जो है वो इसेंशियल कॉमोडिटी है, तो किसान जो है वो इसका स्टॉक नहीं कर सकता। अगर सरकार ये कहे कि आलू जो है वो इसेंशियल कॉमोडिटी नहीं है, तो किसान इसका स्टॉक कर सकता है, और जब इसका दाम अच्छा हो इसको बाद में मार्केट में बेच सकता है। तो विपक्ष का ये कहना है कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो भाई साहब ये अपनी पूरी बात इन्होंने बताई नहीं, क्योंकि अगर ये पूरी बात बता देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें भाई साहब कुछ बुरा नहीं है। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि कोई भी जो बागवानी जो फसलें होती हैं, बागवानी जैसे होगी गन्ना हो गया, आम हो गया, अगर इनका स्टॉक किया हुआ है और इनका प्राइस फॉर एग्जांपल कि कोई गन्ना है उसका कीमत जो है वो 50 रुपये पर किलो है, 50 रुपये किलो मिलता है, और उसका दाम एक साल के अंदर 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, मतलब कि 50 रुपये किलो था और वो 100 रुपये हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस चीज को उठाकर इसेंशियल कॉमोडिटी में डाल देगी, और इसेंशियल कॉमोडिटी में जैसे ही डाला तो स्टॉक करना गैर कानूनी हुआ और इनको मार्केट के अंदर इस चीज को निकालना पड़ेगा। और ऐसे ही जो नॉन पर्सिएबल जो फूड हैं, जो पदार्थ हैं, जैसे कि जो खराब नहीं होने वाले, जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, तो इनके ऊपर भी ये कहा गया कि ये इनको इसेंशियल कॉमोडिटी से बाहर निकाल दिया गया, यानी ये जो किसान है इनके हाथ खोल दिए गए कि भाई तुम जब तुम्हें अच्छा प्राइस मिले इनको बेच दो। और इसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया, अगर इनका प्राइस 50% बढ़ गया, 50% बढ़ जाने का मतलब है कि एक साल के अंदर कोई अगर चीज 50 रुपये थी, फॉर एग्जाम्पल आलू जो है वो 50 रुपये थे, उसका दाम जो है वो 50% बढ़ गया, यानी 75 रुपये हो गया, तो गवर्नमेंट फिर इस चीज़ को उठा के फिर से इसेंशियल कॉमोडिटी में डाल देगी, जिससे इनका स्टॉक करना फिर से गैरकानूनी हो जाएगा और इनको बाहर निकालना पड़ेगा। अरे क्लियरली इन तीनों बिल्स में किसान का ही फायदा है, किस तरीके से इन किसानों को भड़काया जा रहा है, इस चीज़ को समझो जरा। अगर ये वीडियो समझ आ गई है तो इसको शेयर करना, अगर शेयर नहीं कर सकते तो पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक के तहत इसको यार अपने आसपास के लोगों को समझाना कि लोगों को यानी किसानों को कैसे भड़का कर उनको सड़कों पे उतारा जा रहा है, जबकि ये बिल्स जो हैं वो उन्हीं की भलाई के लिए लाए गए हैं। कितने टाइम से उनको बांध के रखा गया था, अब उनके हाथ खोले गए हैं कि वो जाकर कहीं पर भी अपना सामान बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, इसेंशियल कॉमोडिटीज जो हो रही हैं वो उनको उनके लिए फायदे के लिए हो रही है, कोई कालाबाजारी नहीं होगी, सबके लिए प्रावधान किए गए हैं। अगर आप अच्छे से इन चीजों को समझोगे तो जानोगे कि यार देखो कम इंफॉर्मेशन ज्यादा हानिकारक होती है, और लोगों को कम इन्फॉर्मेशन देके उनको भड़काया ही जाता है। आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो अगर ये वीडियो शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना, अगर शेयर नहीं कर सकते तो ये चीजें समझ आ गई तो अपने आसपास के लोगों को ये समझा देना। मैं उम्मीद करता हूं, देखो यार आपके पढ़े लिखे होने का फायदा यही होगा कि आप लोगों को जाकर समझाइए कि क्या चीज है क्या सही नहीं है। हर चीज का विरोध करना गलत है, क्योंकि बिना जाने पहचाने विरोध करना तो एक बेवकूफी की निशानी होती है। विरोध करो, विरोध करने का एक सबको एक अधिकार है, लेकिन विरोध तो तब करो ना जब चीज गलत हो रही हो। तो ये वीडियो और ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।